विधानसभा चुनावों में किस दल को मिलेगा किसानों का समर्थन, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। किसान जिसके साथ होगा यूपी में उसका ही सिक्का चलेगा। राजनीतिक पार्टियां किसान संगठनों के समर्थन की कोशिश में जुटी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से राजनीतिक दल संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश टिकैत कभी एक दल के समर्थन का ऐलान करते हैं तो कभी अपने बयान से यू टर्न ले जाते हैं, और अब तो वो पूरे 360 डिग्री घूम गए हैं। तो अब किस दल के समर्थन की बात कर रहे हैं नरेश टिकैत, देखते हैं ये खास रिपोर्ट में। यूपी में किसको जिताएगा किसान, पश्चिमी यूपी में किसके नाम पर वोट पड़ेगा, गन्ना के नाम पर या फिर जिन्ना के नाम पर, एमएसपी को लेकर क्या चल रहा है किसानों के मन में, पश्चिमी यूपी की सियासत इन सवालों के जवाब खोज रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का दावा है कि उनका संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, इसीलिए वो किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने कदम उठाना शुरू नहीं किए तो बीजेपी को हराने के लिए प्रचार जरूर कर सकते हैं। किसानों ने मोदी सरकार को 30 जनवरी तक का समय दिया है। सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो 31 जनवरी से किसानों का आंदोलन एक बार फिर शुरू होगा, और इस बार आंदोलन का केंद्र यूपी और उत्तराखंड ही रहेगा जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं कि उनका संगठन किसी दल का समर्थन नहीं करेगा, तो भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि उनका संगठन सपा आरएलडी गठबंधन के साथ है। दो दिन पहले भी नरेश टिकैत ने सपा आरएलडी गठबंधन के समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन जब बीजेपी सांसद संजीव बालियान उनसे मिलने पहुंचे तो नरेश टिकैत ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। नरेश टिकैत ने कहा कि वो कुछ ज्यादा बोल गए और वो बात भी बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना था, लेकिन नरेश टिकैत अपने दूसरे बयान पर भी टिके नहीं रह पाए और अब एक बार फिर टर्न ले लिया है। नरेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि हम सपा रालोद के साथ हैं और उनके प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। नरेश टिकैत का ये बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से अन्य संकल्प लिए जाने के बाद आया। अखिलेश ने पार्टी नेताओं के साथ संकल्प लेते हुए कहा था कि किसानों पर अन्याय और अत्याचार करने वालों को हराएंगे। अन्य संकल्प के दौरान पार्टी कार्यालय में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। अखिलेश यादव ने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं और विधानसभा चुनाव में हराएं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।